गाइज आज की वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से प्लीज ट्राई मत करना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और साथ ही साथ में वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमने सेफ्टी के साथ में चीजें करी है। तो भाई आपके घर में छत पर हो जो पंखा लटका है, कभी ना कभी उसको देखकर दिमाग में आता है कि अगर ये पंखा ऊपर से नीचे गिर जाए तो क्या होगा। मेरे दिमाग में तो बहुत बार आ चुका, मुझे उम्मीद है कि आपके में भी पक्का आया होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई ही करके देख लेते हैं, लेकिन भाई पूरी सेफ्टी के साथ में करने वाले, पंखा ऊपर लटकाएंगे, चलाएंगे तेज और फिर उसको नीचे गिराएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो इस वीडियो के लिए दबा दीजिए, भाई दबना चाहिए लाइक का बटन तो यार इसके लिए। दोस्तों हमने जो पंखा है वो यहाँ पर लगा दिया है, ऊपर पहुंचा दिया, दो हमने पोल गाड़े, एक इस तरीके से सपोर्ट देकर के यहाँ पर मेरे सर के ऊपर पंखा लटक रहा है और इसको हमने कुछ इस तरीके से लटकाया भाई ऊपर में कि एक रस्सी बांध रखी है, जैसे ही रस्सी को खींचेंगे पंखा नीचे गिर जाएगा, भले ही स्टिल रहे भले ही चलता रहे। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दिया जो कि देखो यहाँ पर इस बोर्ड में कनेक्टेड है। और भाई जैसे ही हम इस वायर को लगाएंगे इस पावर प्लग में जो पंखा है वो चल जाएगा, उसके बाद में डोरी को खींच देंगे तो भाई पंखा है ऊपर, मैं बैठूंगा इसके नीचे और पंखे को चलाएंगे। इतना पागल नहीं हूं भाई मैं, हम जो है इसके नीचे कुछ चीज रखेंगे, इसके नीचे बैठ के मुझे मरना थोड़ी है। वो कबूतर ले आओ, हमारे पास में कुछ कबूतर है जो भी है ये। तो भाई ये जो है आपको पता होगा ये बलून जो होते हैं, हम इनको कैसे भी रख दें, इस तरीके से नीचे भी गिरा दें तो भी ये वापस से देखो खड़े हो जाते हैं। देखो तो इन्हीं को रखेंगे, ये नीचे खड़े रहेंगे पंखा, उम्मीद है इनके ऊपर गिरे या मुझे नहीं पता कहाँ गिरने वाला है, लेकिन अगर गिरेगा तो एक हो जाएगा कि भाई इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई खड़ा है। तो भाई अब पंखे के तार को लगाते हैं इस बोर्ड में। और भाई यहाँ पर मैंने कोई पिन नहीं लगाई जानबूझ करके, क्योंकि अगर पिन होगी और अगर ये वायर खिंचती है पंखे की वजह से तो इसमें फंसा रह जाएगा, पंखा बंद नहीं होगा। तो भाई ये जो पिन है देखो इजीली ऐसे खिंच सकती है, ये फंसेगी नहीं। और अब मैं स्विच ऑन करूंगा, पंखा दिखाओ एक बार जरा। तो भाई ये लो देखो बिल्कुल जो पंखा है वो ऑन हो चुका है। तो भाई जो पंखा है वो देखो कितना स्टेबल ही घूम रहा है। तो अब जल्दी से चलते हैं और जो रस्सी है उसको खींचते हैं, आ जाओ। तो भाई मैं रस्सी को अब खींचने वाला हूं, सब लोग ध्यान से रहना भाई। तो यहां पर इन 3-2-1 हमारा फैन नीचे जाने वाला है, ये लो हमारा फैन नीचे जाने वाला है, ये लो तो भाई पंखा गिरा ऊपर से और मैंने पावर हटा दी बिल्कुल और भाई साहब जो फैन है उसकी पंखड़ी मुड़ चुकी है, चलते चलते पंखा नीचे गिरा था और मुझे लगता है कि शायद ये पंखा फूक भी चुका होगा क्योंकि ये रुक गया मिट्टी की वजह से और वहां पर वो जो है चलता रहा। और यार ये काफी गर्म हो रखा है, आप लोग देखिए कि इसकी एक जो पंखुड़ी है वो मुड़ चुकी है। तो भाई पिछली बार जो पंखा है वो खंबे से टकरा गया था, इतना जोर से घूमते हुए गिरा था, हमने फिर से पंखे को ऊपर टंगा दिया है। तो मैं स्विच को ऑन करता हूं और आप लोग देखिए फैन जो है वो चल चुका है और भाई इस बार पंखा हिल भी रहा है भाई अपनी जगह से थोड़ा। तो मैं खींच रहा हूं इसको यहाँ पे, ये लो। और भाई साहब अरे यार पंखा हिल रहा है, तो मैं खींच रहा हूँ इसको यहाँ पे। और भाई
शिट ओहो हो 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 यार लिहा को अपना ये ना फंस गया ब्रो। तो मैं ठीक था उसको यहाँ पे। अरे यार पंखा हिल रहा है। ओहो हो हो all about humanity. मैंने जो वायर है वो बंद कर दिया और भाई इस बार जो पंखा है वो एकदम सीधा आया है। जो डोरी है वो आप लोग देख सकते हो कि कैसे लिपट गई है और जो पंखा है वो भाई धड़ाम से आके सीधा गिरा है नीचे और जो पंखुड़ियां हैं उनमें हो चुका है थोड़ा बहुत डैमेज। देखो यहाँ पर एक डेंट हो रखा है और ये थोड़ी थोड़ी मुड़ भी रही है मुझे लग रहा है, दिख रहा है। देखो पूरी जो पंखुड़ियां हैं वो एक सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो भाई आपने देखा कि जो फैन है जब वो ऊपर से गिरता है तो घूमते हुए गिरता है, जब पोल से टकराया तो यार बहुत तेज टकराया था, लेकिन जब ऊपर से सीधा गिरा तो शायद थोड़ा सा स्लो गया, लेकिन फिर भी यार अगर ये किसी के ऊपर गिरता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, हमें तो जो है एक नई चीज़ ट्राई करनी थी। तो यार वास्तव में कुछ ना कुछ है। और यहाँ पर आप देखोगे इसकी ये जो डंडी है ये कैसे ढीली हो गई, आई थिंक ये गिरने की वजह से हो गई। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको आया मज़ा तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।